हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। आज हम टॉमस ग्रे जो कि द प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज के रूप में जाने जाते हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस देंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो UGC हो चाहे कुछ ऐसे अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो। सो लेट अस बिगिन नाउ। Thomas Gray, the great, one of the great precursor of Romantic Age, was born on 26th of December 1716 in Cornhill, London. और उनकी डेथ हुई थी 30th जुलाई 1771 को। उनके फादर का नाम फिलिप ग्रे था जो कि स्क्रिवनर थे, डॉक्यूमेंट राइटर कोट, और मदर डोरथी एंट्रबस जो कि हैट मेकिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व थी। एक्चुअली टॉमस ग्रेस चाइल्डहुड वॉज नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ द बिटर रिलेशनशिप बिटवीन हिज मदर एंड फादर। इस वजह से जो डोरथी एंड ट्रबस हैं अपने आप को अलग कर लिया और टॉमस ग्रे के एजुकेशन के लिए उन्हें एटन भेज दिया। एट एटन टॉमस ग्रे वॉज हेल्प बाय His two uncle known as Robert and William Antrobus. Robert और William Antrobus ने उनकी बहुत मदद की उनके एजुकेशन में। और एटन में ही Thomas Gray developed relationship with the three other person जिनके नाम थे Horace Walpole, थॉमस एस्टन, रिचर्ड वेस्ट। और ये जो रिलेशनशिप था इट इज़ नोन एज क्वाड्रपल अलायंस। ये टर्म याद रखिए, क्वाड्रपल अलायंस नोन फॉर थॉमस ग्रेज रिलेशनशिप विद हिज हॉरेस वैलपोल, थॉमस एस्टन, रिचर्ड वेस्ट। तो ये अलायंस इसके लिए जाना जाएगा जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। And these people actually helped Thomas Gray more in his in the development of his literary genius. Thomas Gray की literary writing की जहाँ तक बात है, he began writing in 1742 after the death of his friend Richard West. लेकिन self-critical nature होने के कारण He could hardly ever think to get his writing published. So he had to wait for that for a long time till 1751 later. और 1751 जिसमें जब वो मैग्नम ओपस एलजी रिटर्निंग कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश हुई थी और वो भी उनके एक फ्रेंड के कंट्रीब्यूशन से, उनकी मदद से। थॉमस ग्रे को माना जाता है कि ही रिप्रेजेंटेड द टू डिफरेंट सेंसिबिलिटी विद हिज पोएम्स, वन इज ऑफ नियो क्लासिकल एज एंड अदर इज ऑफ रोमांटिसिज्म। सो दिस टू डिफरेंट सेंसिबिलिटी, द मिंगलमेंट ऑफ टू डिफरेंट सेंसिबिलिटी कैन बी एविडेंट, आई मीन इट इज एविडेंट एंड कैन बी सीन, कैन बी रियलाइज्ड मोर क्लियरली। इनका जो पहला जो क्रिएशन था एक्चुअली ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, ये जो कविता थी इसमें थॉमस ग्रे ने अपने उस सुखद क्षणों को रिप्रेजेंट किया है विच ही एक्सपीरियंस्ड एट एटन कॉलेज। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज डिलाइटफुल मोमेंट, इट इज ऑल्सो नोन फॉर हिज कंटेम्पलेटिव मूड एंड मोरलिस्टिक अप्रोच। और जैसा कि इन लाइनों में स्पष्ट होता है, जिसकी लाइन है वोड अंडरस्टैंड, एलास रिगार्डलेस ऑफ देयर डूम द विक्टिम्स प्ले, रिगार्डलेस ऑफ देयर डूम द विक्टिम्स प्ले। सच अ डीप थॉट, मेडिटेटिव थॉट ऑफ थॉमस ग्रे, लेट मी से थॉमस ग्रे इज सच मेडिटेटिव थॉट्स। और इसके एक और पॉपुलर लाइन जो अक्सर कोट किया जाता है,
It is folly to be wise where ignorant is a bliss. Where ignorant is a bliss, it is folly to be wise. So in great lines ke liye jaane aate hain. Ye jaane aate hain ki ye poem Ode on a Distant Prospect of Eton College. इन्होंने दो पिंडारिक ओड लिखा, द बार्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड, ये पिंडारिक ओड है जो कि पब्लिश हुआ था 1757 और चूंकि इसका जो सिलेक्शन था इनके जो फॉर्म का, इनके जो टेक्निक का, हमने कहा कि इट इज वेरी मच आइडेंटिकल विद द टेक्निक एंड ट्रेंड फॉलोड बाय द न्यू क्लासिकल पोएट. इनके जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि टॉमस ग्रे वॉज ऑफर्ड पोएट लॉरियटशिप इन 1757 में इनको पोएट लॉरियटशिप ऑफर किया गया था, बट ही डिनाइड, ही डिडंट एक्सेप्ट, ही रिफ्यूज्ड इट. ये पॉइंट डेट, ये डेट याद रखने वाली चीज है. और दूसरी बात कि एट दैट टाइम इट वाज कॉली साहब हु वाज द पोएट लॉरिएट. दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड कि उस समय पोएट लॉरिएट कॉली साहब थे और इनके जो टेनर था ये एंड होने वाला था, इसलिए पोएट लॉरिएट इनको ऑफर किया गया. और इनके डिनायल के बाद विलियम वाइट हेड पोएट लॉरिएट हुए 1757 से 1785. ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. टॉमस ग्रे को कनेक्ट किया जाता है ग्रेवयार्ड पोएट्स थे. तो ग्रेवयार्ड पोएट्स थे कौन कौन? ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम काउपर, क्रिस्टोफर स्मार्ट. दिस वे नोन एज graveyard poets because of their focus upon death, mortality and sublimity of death. So this contemplative mood was very much reflected by Thomas Gray in his magnum opus Elegy Written in Country Churchyard, जिसे हम अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. इसके पोएम्स की टेक्स्टुअल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी थेमेटिक और स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी करेंगे, जो कि थोड़ा सा अलग अलग वीडियोस में होंगे. तो इसको जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा. और इनकी जो एक पोएम ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, ये जो पोएम है इट इज नोन फॉर इट्स फीचर आइडेंटिकल विद सिमिलर विद मॉब हीरोइक एपिक. तो ये ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट में मॉब हीरोइक एपिक के फीचर्स को हम पाते हैं. दैट वाज डोमिनेंट इन न्यू क्लासिकल एज, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप्स पोएम. और इसकी भी लाइन बड़ी कोटेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से, जो कि मॉक एपिक या मॉक ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है, उनका सेटायरिकल अप्रोच. व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइज, व्हाट कैट्स एवर्सन टू फिश. इवन थ्रू दीज टू लाइन्स वी कैन जस्ट realize the mock heroic epic traditions that was followed by Thomas Gray in few of his poems. So because of all these things, one connects himself with the both neoclassical age and the romantic age also. That's why he is known as the precursor of romantic age. जहाँ तक इनकी एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की बात, इट इज़ वेरी डिफरेंट. इट इज एलजी, इट्स थीम इज एलजाइक. बट सो फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, इट इज वेरी मच सिमिलर विद दैट ऑफ एन ओड
it is longer. There is no eulogy. थियोक्रेटस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसमें यूलोजी नहीं है। इसके बारे में और अन्य फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे लेकिन अपने बाद के वीडियो में। बट लेट मी मेक एन अपील टू ऑल दोज हु आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो। थॉमस ग्रे के बारे में और हम जानेंगे, इनके अन्य पोएम्स के बारे में, स्पेशली एलजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड के बारे में अपने अन्य वीडियोज में। देखते रहिए, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। हैव अ गुड डे, कीप योर आइज जस्ट ऑन योर टारगेट। नमस्कार।